मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। इस रिपोर्ट में बात हो रही है कपिल सिब्बल को लेकर। देखा जाए तो एक समय ऐसा आया था कि कपिल सिब्बल ने कांग्रेस को छोड़ दिया था और ये बात शायद किसी से भी हजम नहीं हुई थी, क्योंकि कपिल सिब्बल ने सालों साल कांग्रेस पार्टी को दिया और अचानक से उन्होंने पार्टी का दामन छोड़ दिया। अब कहीं ना कहीं देखा जाए वो G23 के यहाँ पर हिस्सेदार भी थे, सदस्य थे वो यहाँ पर, लेकिन अब उनका एक बड़ा बयान सामने आया राहुल गांधी को लेकर। तो वो लगातार बयान देते ही रहते हैं कि जो भी यहाँ पर केस चल रहा है राहुल गांधी पर, जिस तरीके के कार्रवाई की जा रही है वो पूरी तरीके से गलत है। ये बात यहाँ पर सामने आती है, लेकिन अब यहाँ पर कपिल सिब्बल ये कहते नजर आए कि उन्होंने भले ही कांग्रेस छोड़ दी हो, लेकिन आज भी दिल में कांग्रेस बसती है और वो आज भी कांग्रेसी ही है और आज भी वो कांग्रेस की विचारधारा पर ही चलते हैं। ये बात यहाँ पर कपिल सिब्बल ने कही। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए यहाँ पर तो कपिल सिब्बल ये भी कहते नजर आए कि राहुल गांधी पर जो केस चल रहा है, जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, वो पूरी तरीके से सख्त तरीके से गलत है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी पर ही शिकंजा कसा जा रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर कपिल सिब्बल ये कहते नजर आए कि अगर देखा जाए तो अब एक एक सांसद पे शिकंजा कसने की पूरी कोशिश करते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए यहाँ पर तो कपिल सिब्बल का जो इंसाफ के मंच का जो उन्होंने खोला है, जहाँ पर उन्होंने पूरे विपक्ष को एक साथ इकट्ठा होने की बात कही है कि सब लोग एक साथ आए और यहाँ पर मोदी सरकार के खिलाफ खड़े हो, तो वहां पर धीरे धीरे करके लोग आ रहे हैं लेकिन उतनी जल्दबाजी से नहीं आ रहे। यहाँ तक कि जब हम कवर करने पहुंचे थे मैदान में तो वहां पर हमने देखा था कि सफाई नजर आए थे, राहुल गांधी के समर्थक नजर आए थे, लेकिन बाकी पार्टियों के लोग इतने ज्यादा नजर नहीं आए। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले यहाँ पर कि राहुल गांधी की जो मुसीबतें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही। आज एक बार फिर पटना कोर्ट की तरफ रुख करेंगे और देखना ही होगा क्या 25 तारीख को एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ रुख करते हैं नहीं करते, ये तमाम तरीके के सवाल बने हुए हैं। लेकिन बात ये साफ हो जाती है कि कपिल सिब्बल कांग्रेस में थे, कांग्रेस में है और कांग्रेस में रहेंगे। अपने मन की विचारधारा से उनका साफ तौर पर ये कहना है तो क्या माना जाए कि राहुल गांधी के केस की वजह से कपिल सिब्बल वापसी कर सकते हैं कांग्रेस में, ये देखना लाजमी होगा। अब इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट।